Let's do question number 25 of exercise 7e. Question number 25 is, each of the equal side of an isosceles triangle is 25 cm. वो कह रहा है, isosceles की दो साइड इक्वल होती हैं, जिसका मेजरमेंट है 25 cm. ये मान लीजिए, ये हमारा isosceles triangle है, जिसकी ये दो साइड 25 cm है, और ये 25 cm है. ये दो साइड्स इक्वल होती हैं, ये इसकी इक्वल होती है, तो ये दोनों 25 सेंटीमीटर हैं. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर. वो कह रहा है इस एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है अगर उसका बेस जो है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर. अगर बेस 14 सेंटीमीटर है तो हमें उसकी एल्टीट्यूड निकालनी है. तो ये अगर मैं कहूँ ए बी सी ट्राइंगल है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, और ये बी डी क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, और हमें पता है एल्टीट्यूड क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है. तो यहाँ लिख लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल. आइसोस्केलेस ट्राइंगल है इन विच बी ए किसकी इक्वल है, बी सी के. कितना, दैट इज 25 सेंटीमीटर है. और हमारा जो बेस है दैट इज ए सी, वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है. और हमें पता है बी डी क्या हो रही है, परपेंडिकुलर गिर रही है ए सी पे, एंड मेक्स 90 डिग्री एंगल बना रही है, एंड डिवाइड एंड पॉइंट डी and point D divide AC in two equal parts, midpoint कहें या two equal parts कहें, बात एक ही है, right? तो हमारा AD कितना आ गया, AC का आधा आ गया. क्यों, क्योंकि AD किसके equal है, DC के. मैंने लिखा है BD perpendicular है AC पे, और डी पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है एसी को इन टू इक्वल पार्ट्स में. तो ए डी इक्वल टू डी सी हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए. सो दैट इज ए डी इज इक्वल्स टू डी सी हो गया. अब ए डी कैसे निकालेंगे, ए सी का आधा, दैट इज 14 डिवाइडेड बाय 2, 7 सेंटीमीटर आ गया. अब हमें ये वाला एल्टीट्यूड की हाइट निकालनी है, मतलब बी डी निकालनी है. तो आप कोई सा भी एक ट्राइंगल ले सकते हैं, दोनों से सेम ही आएगी. तो मैं ट्राइंगल ए डी बी की बात कर रही हूँ. सो इन ट्राइंगल ए डी बी, जो कि राइट एंगल्ड है डी पे, राइट एंगल्ड एट डी, तो कितना आ गया. तो क्या करेंगे, हमें पता है जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी, ए बी लॉन्गेस्ट साइड है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. तो ए बी कितना है, 25, तो 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी कितना आया है, 7, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. तो ये कितना आ गया, 25 का स्क्वायर हमें पता है 625 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस बी डी स्क्वायर. तो बी डी स्क्वायर कितना आ गया, 49 उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस 49, तो बी डी स्क्वायर आ गया हमारा 15 में से 9 गए 6, एंड 11 में से 4 गए 7, एंड 576. तो बी डी कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 576, और वी कैन से दैट ये हमें पता है 24 का स्क्वायर रूट होता है, और ये हमें पता है 576 का स्क्वायर रूट 24 होता है. तो यहाँ पे क्या आ गया, 24 आ गया. तो हैंस एल्टीट्यूड आ गया हमारा, एल्टीट्यूड ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर इज द आंसर.
leads to question number 26th of exercise 7e. Question number 26th is, a man goes 12 meter due south. साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की बात कर रहा है, तो हम सबसे पहले अपनी डायरेक्शंस बना लेते हैं. ये होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है अ मैन गोज 12 मीटर ड्यू साउथ. यहाँ पे मैन खड़ा है, वो साउथ की तरफ गया 12 मीटर. आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है एंड देन 35 मीटर ड्यू वेस्ट. देखिए मैन जो है यहाँ से इस पॉइंट से इधर आया कितने मीटर, दैट इज 12 मीटर. तो ये आ गया 12 मीटर आया यहाँ तक, और जब 12 मीटर पहुँच गया तो वो वेस्ट की तरफ गया 35 मीटर. ऐसे गया 35 मीटर, ये आ गया 35 मीटर, राइट. वेस्ट की तरफ गया है तो इसका नाम वेस्ट रख लिया. आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो वो कितनी दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, ये बताना है. तो मतलब हमें कौन सी लेंथ निकालनी, ये वाली, कि वो कितनी दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से. तो अगर मैंने इसको ओ मान लिया तो हमें पता है, तो हमें क्या क्या गिवन है. ओ एस गिवन है 12 मीटर, और डब्ल्यू एस गिवन है 35 मीटर, और हमें क्या निकालना है, ओ डब्ल्यू निकालना है. तो हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे क्योंकि स्ट्रेट आया और स्ट्रेट ही निकल गया. तो हम कौन सी थ्योरम यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. तो पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट साइड क्या है, ओ डब्ल्यू. तो ओ डब्ल्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एस स्क्वायर. तो ये आ गया ओ एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एस स्क्वायर. तो ओ एस कितना है 12, 12 का स्क्वायर, और डब्ल्यू एस क्या है 35 का होल स्क्वायर. 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 होता है, और 35 का स्क्वायर क्या होगा, 35 × 35. तो आ गया 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 16 = 17, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 एंड 10. तो आ गया 5 × 12 = 2 and 1 = 1225. तो ओ डब्ल्यू स्क्वायर कितना आ गया 9, 6, 3 and 1. तो ओ डब्ल्यू कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1369. तो ये कितना आ गया 1369 का स्क्वायर रूट निकालते हैं. तो ये आ गया 3 × 3 = 9, 469 बच गया, 3 + 3 = 6. ये नहीं आता है तो प्लीज़ 7th और 8th में मैंने स्क्वायर रूट्स में बता रखा है डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट्स का कैसे करते हैं, तो इसको ज़रूर देखें. अब 67 7 देखते हैं, 7 7 = 49, 7 6 = 42 + 4 = 46. तो ये आ गया 7 7 = तो हमें पता चल गया ये 37 का स्क्वायर रूट होता है. तो ये आ गया 37 मीटर. तो कितनी दूर था पर्सन अपना स्टार्टिंग पॉइंट से, ही इज 37 मीटर अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. आंसर